तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? सभी लोग आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो भाई लोग, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हमारी आज फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि डाउनटेक गेमर के बारे में। तो भाई लोग, अब डाउनटेक गेमर ने इस फ्री फायर इंडिया वाले मैटर के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें भाई ने अपना ओपिनियन शेयर किया। और भाई लोग, इसके अलावा भाई ने उस वीडियो में फ्री फायर के कुछ क्रिएटर्स को एक चीज को लेकर वार्न भी किया है। तो आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। लाइक मैंने एक चैनल देखा जिसका नाम है लाइक जस्ट वन फ्री फायर, ओके, और भी मैंने कुछ चैनल्स देखे हैं, सिर्फ ये नहीं। तो बेसिकली ऐसे क्रिएटर हैं कुछ जो कि वीडियोस बना रहे हैं, आई स्टैंड विथ दिस, लाइक माय वी बैज रिमूव्ड, लाइक ओके, आपका वी बैज रिमूव हो गया है, दैट्स नॉट मीन कि तुम गरीना के ऊपर कोई भी ऐसे वीडियो बनाओगे, ठीक है। ये मत समझना कि मैं गरीना का कोई साइड ले रहा हूँ या फिर वगैरह वगैरह, आई डोंट केयर अबाउट गरीना, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों तुम वीडियो बना रहे हो गरीना एक्सपोज, ओके, जो भी तुम बना रहे हो ब्रो, आई नो कि तुमको फ्री फायर से स्ट्राइक का खतरा होगा, तुमको पता होगा इसके बारे में, तुमको इससे कोई डर नहीं लगता, सीरियसली ब्रो। जब तुमको दो स्ट्राइक आएगी ना, लाइक इन रियल लाइफ तुमको पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है ब्रो, मत करो, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। लाइक अभी गरीना बहुत स्ट्रिक है इस चीज़ों के लिए, जो भी क्रिएटर ऐसा करता है मत करो। जो भी कह रहा है ना लाइक मैं गरीना फ्री फायर लेके आऊँगा, इंडिया लेके आऊँगा, भाई एक साल से क्या कर रहे थे? उन्होंने तो बोला था ना फ्यू वीक्स, तब क्यों नहीं आए? क्योंकि तब तुम पार्टनर प्रोग्राम में थे, सीरियसली, और अब तुम नहीं हो, दैट्स वाई यू वॉन्ट टू लाइक एवरी वन स्टैंड विथ यू, वाई? लाइक ओके, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अगर तुमने लिया भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने स्टैंड लिया है सबके लिए, फ्री फायर इंडिया के लिए, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मगर तुम सोचो एक बार कि तुम्हारी वजह से अगर कोई एक्सपोज करता है, ऐसे कुछ गलत टाइटल लगा देता है जिसके वजह से उनको स्ट्राइक आ जाती है, देन वॉट? ओके, जो भी ये चीज़ कर रहे हो व्यूज़ के लिए मत करो, ठीक है। जो छोटे चैनल्स हैं तुम कर सकते हो क्योंकि फ्री फायर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जो बड़े चैनल हैं तुम मत करो, तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वह लोग बढ़ते हमारे आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि असैसिन आर्मी के बारे में। तो वह लोग, नयन भाई का द अनफिल्टर रियलिटी के चैनल पे एक पॉडकास्ट आया है, तो वह लोग उसी पॉडकास्ट में नयन भाई ने जो टॉप के गेमर्स हैं उनका इनकम ही रिवील कर दिया है। तो आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। तो टॉप गेमर्स की इनकम कितनी होती है भाई? मैं बताता हूँ, रुको, मुझे तो लगता है टॉप गेमर की अगर हो जाए तो पर मंथ 70-80 lakhs इजी, बहुत होता है, तो एक टॉप कम ही बोल दिया, शायद से 1 crore भी जाता होगा। वन करोड़ ये उसका है, एडसेंस का ही है, एडसेंस ब्रांड साइंस मिला के, एडसेंस ब्रांड सब मिला के, हाँ सब मिला के। तो भाई लोग, आप लोग चाहते हो फुल पॉडकास्ट देख सकते हो, मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो भाई लोग, अब हम फिर से बात करने वाले हैं असैसिन आर्मी के बारे में। तो भाई लोग, उसी पॉडकास्ट में नयन भाई ने इस चीज का रीजन बताया कि क्यों उन्हें ये चीज पसंद नहीं है कि कोई भी उनसे मिलने उनके घर आए। तो आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। भाई घर पे एक सपोज करो सब्सक्राइबर अभी देख रहे हो, जो भी आपको क्या रीजन होता है, आपका मेन रीजन क्या घर पे ना बुलाने का? क्योंकि एक पर्सनल स्पेस भी होता है हर एक चीज़ का, क्योंकि अगर पर्सनल स्पेस, क्योंकि मेरा अभी एड्रेस तो पूरा लीक हो चुका है और वो पब्लिक नहीं करना चाहिए, मतलब वो आपकी एक प्राइवेट चीज़ होती है। हाँ, बहुत लीक हो चुका है, और वो कैसे लीक हुआ है? मेरे वजह से हुआ है, किसी और ने नहीं किया है। मैंने एक वीडियो डाली नीचे हमारे सोसाइटी में, बेसिकली हमारा, मैं एक फेमस एरिया में रहता हूँ, एक सिटी के, तो वो सिटी के फेमस एरिया में तुरंत नीचे पता चल गया सब लोगों को, भाई मैंने एक वीडियो डाल दी गलती से 2022 में, तब से बंदों को समझ गया कि इधर से ही है। और बंदे, अभी एक बंदा आप आ गए सपोज, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आप फैन हो, फिर आपने सपोज विराट कोहली को मिला, आपको पता है विराट कोहली का घर कहाँ है, आप दूसरे आपके दोस्तों को लेके आओगे, हाँ, फिर तीसरे दिन बाद वो उसके दोस्तों को लेके आएंगे, वो उसके चौथे दिन बाद वो उसके दोस्तों को, फिर वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एक मिनट बाद, 5 मिनट बाद मिल लो, फिर कभी वीडियो बना रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, फिर वापस आ गए। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई हाँ, अपन लोग महीने में सिटी में मीटअप कर लेंगे, एक तरह से वो नहीं देखते कि फैमिली भी आपकी रहती। हाँ, मॉम डैड तो वीडियो नहीं बनाते ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, और ऊपर से ना दिक्कत वाली बात मेरे को तो ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी पापा तो खुद मेरे को हंस हंस के बोलते, अरे सब्सक्राइबर है मिल लो, मैं बोलता हूँ अरे यार चलो ठीक है, मैं अपना काम छोड़ के फिर ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनको कोई मेरे से एक्सपेक्टेशन ना हो कि नयन भाई आप प्लीज़ मुझे गिफ्ट कर दो कुछ, या फिर उस चीज़ों से मैं थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बातें उनको मना करने के लिए बुरा लगता है मुझे, क्योंकि अगर कोई आपसे कोई अगर चीज़ मांग रहा है तो उसको आप मना कर दो, जो अपना फ़ैन है, तो बुरा लगता है वो चीज़, तो इसलिए वो चीज़ों से मैं डरता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वो चीज़ मिलने के लिए थोड़ा सा ये रहता हूँ कि भाई अरे यार मिलूंगा, ये कुछ चीज़ मांगे। लेकिन हाँ, जो सब्सक्राइबर्स आते हैं, फोटो लेते हैं, नयन भाई आप आपके कॉन्टेंट्स देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिलने के लिए, मैं मिलता भी हूँ, और जो मांगते हैं उनको भी मैं समझाता हूँ, भाई ऐसा मांगना नहीं चाहिए, खुद से कुछ करो,
अगर तुमको मैंने एक को दे दिया, मैं जब गिवावे करता हूँ तब देता हूँ सबको, लकी लोगों को मिलता है गिवावे, लेकिन अगर मैं तुमको एक को दूंगा तो बाकी लोग देखेंगे तुम्हारे चक्कर में और चार लोग आएंगे, कितने हजारों लोग आएंगे, वही तो मैं सबको थोड़ी दे सकता हूँ। तो भाई लोग बढ़ते हमारी अच्छी लास्ट न्यूज की तरफ जो कि नॉनस्टॉप गेमिंग के बारे में। तो भाई लोग नॉनस्टॉप भाई जो अपने चैनल में लाइव आए हुए थे, तो भाई लोग चैट में एक बंदा नॉनस्टॉप भाई को एनजी के डाउनफॉल से रिलेटेड कुछ कहता है, तो भाई लोग इसके बाद नॉनस्टॉप भाई क्या रिप्लाई देते हैं आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। भाई एनजी1 का डाउनफॉल कैसे ठीक होगा भाई, टूर्नामेंट से सही हो जाएगा, जादू देने वाला हूँ मैं एनजी1 को दोबारा से, तो इस टूर्नामेंट के अंदर। हालांकि यार एनजी1 का ऐसा डाउनफॉल भी नहीं है, एक्चुअली चीज क्या है ना, थोड़ा सा लक फैक्टर चल रहा है। दो टूर्नामेंट में तो हम लोग सेमीज में एंट्री मारते, हम लोग जीत के हारे अभी पिछले कुछ दिन में ही। अब देखते हैं यार, क्योंकि भाई देखो किस्मत वाले गेम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं कि जीतने के बाद भी अगर हम लोग टूर्नामेंट यहाँ पे हार जाते हैं, और कहीं ना कहीं और बाकी मैचेस भी आ रहे हैं। कोई नहीं भाई, अब जब भी अपना टूर्नामेंट रहता है टीम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि भाई ये टूर्नामेंट तो हम लोग जीतना ही है। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, और अगर आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय लोग, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।